राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उद्योग विभाग यांच्या वतीने या ठिकाणी हा जो काही कार्यक्रम ठेवलेला आहे त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उद्योग विभागाचे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष सुभाष मालपानी जी तसेच या ठिकाणी या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असणारे आमचे युवकांचे अध्यक्ष आमचे मित्र सहकारी सुनील गिरीजी तसेच या ठिकाणी विद्यार्थी विभागाचे अध्यक्ष विभू घुगेजी त्याचप्रमाणे आमचे साऊथ इंडियन विभागाचे मुंबईचे अध्यक्ष व्यंकटेश मानवजी आणि त्या ठिकाणी डडियालजी आणि उपस्थित या ठिकाणी सर्वच उद्योग सेलचे अजून आपल्या नियुक्त व्हायच्यात वाटतं पण आपल्या सर्व या ठिकाणी आलेले सर्वांचं या ठिकाणी या उद्योग सेल विभागाच्या वतीने स्वागत करतो. आज खरंच मुंबईमध्ये हा सेल पहिल्यांदाच होत आहे. मला वाटतं महाराष्ट्रात होता की नाही मला कल्पना नाही पण मुंबईमध्ये तर आम्ही पहिल्यांदाच पाहतोय आणि आता जे काय अगोदर दाखवलं त्यांची जी काय संकल्पना आहे जी काम करण्याची जी काय त्यांनी प्रेझेंटेशन या ठिकाणी दाखवलं तर त्या ठिकाणी आपले कामगार सेलचे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष मनोज व्यवहारे जी या ठिकाणी आलेले आहेत. आपलं स्वागत आहे सर. जरूरत पडेगा जैसा बने भाई बोला इधर ही रहते हो वो तो हमारे से भी डैशिंग है किधर भी आएंगे सब कुछ मदद आपको पहला उनका इधर लगेगा और हम लोग सब आपके साथ है. और मैं ये नया उद्योग जो सेल बना है इसका मैं आज ने देखा जो आप लोग ने बनाया है ये बहुत बढ़िया है और इसमें हमारा भी सेल के लोगों का मदद होएगा. क्यों जैसा भी जैसा बने भाई बोला कि टेंडर्स है कुछ उद्योग है किधर लोन्स कैसा क्या मिलता है हमको मार्गदर्शन नहीं हमारा कार्यकर्ता तो आपका माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा. और अभी भाई ने जैसा बोला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ियाल वही है वक्त जरा बदल गया है ये लोगों को ध्यान रखना है क्यों पवार साहब का भी हमारा भी घड़ियाल है वक्त जरा बदला हुआ है और जरूर ये वक्त के साथ हमारा पवार साहब अजित पवार साहब आगे बढ़ेंगे. आप लोग का सबका आशीर्वाद से जैसा भाई बोला जैसा आने वाले दिनों में सीएम बन के हम लोग सब उनका साथ हम मदद करके आगे बढ़ेंगे और स्टूडेंट और हमारे यूथ मजबूत है हम लोग के लिए इनके साथ हम लोग हमेशा काम करेंगे. और इतना बोलकर मैं यहाँ पर मौका दिया मेरे को बुला के तो मेरे को जो संधि दिया इसका मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ. मंडळी आपण नव्याने एकमेकांना भेटत आहोत त्यामुळे सुरुवातीच्या काही चुका असतील ते दूर. मंच पर उपस्थित हमारे उद्योग सेल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष मालपानी साहब हमारे असंगठित कामगार महाराष्ट्र के अध्यक्ष व्यवहारे जी साकार क्षेत्र के प्रदेश के अध्यक्ष मोरे साहब हमारे साउथ मुंबई सेल के अध्यक्ष वेंकटेश मानव साहब ओबीसी सेल के अध्यक्ष मदने साहब और हम सबके बैकबोन विद्यार्थी सेल के अध्यक्ष गुगे साहब और यहाँ उपस्थित मेरे इस जिले के अध्यक्ष अभिषेक कदम जी मेरे तालुका के अध्यक्ष गुगे साहब उपस्थित सभी मान्यवर मैं सुरजीत सिंह साहब को दिल से धन्यवाद देता हूं एक अनोखा और सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित करने के लिए और हम सबको यहां निमंत्रित करने के लिए. मैं पार्टी में काम करते हुए लगभग दशक जितना समय निकल गया है. पहली बार मैं उद्योग सेल का ऐसा कोई मीटिंग अटेंड कर रहा हूं तो आप सब आयोजक जितने हैं जोरदार ताली बजाएं. आप सब आयोजक जितने हैं अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लीजिए. मैं जैसे ही इस कार्यक्रम में आया ऊपर और मैंने देखा यहां पे ये मेडल्स अब मुझे उसका बहुत डिटेल में पता नहीं था तो मुझे हमारे एक मित्र हैं उन्होंने उसके बारे में संज्ञान दिया. ये मेडल्स हमारे सुरजीत सिंह साहब के होनहार चिरंजीव आर्यन उनका है तो मैं उनकी उपलब्धि के लिए भी उनको कांग्रेचुलेट करता हूं
और आने वाले दिनों में वो और आगे बढ़े, ऐसा मैं उनको ऑल द बेस्ट कहता हूं। नेतागण यहां आज आने वाले थे, कुछ कारण बस वो आ नहीं पाए। आप लोगों को पता है बाहर चुनावी माहौल चल रहा है और उसमें उनकी व्यस्तता थोड़ी हो गई। विजय जी मी विनंती करीन श्री दर्शित कराव। सहकारी विभागाचे राज्याचे अध्यक्ष असे रामदास मोरेजी, योगांचे मुंबईचे अध्यक्ष सुनील गिरेजी, विद्यार्थी अध्यक्ष विवेक घुगेजी, ओबीसीचे अध्यक्ष श्री बनगरजी, दक्षिण मध्य मुंबई जिल्हा अध्यक्ष श्री व्यंकटेश मानवजी, आमचे जुने सहकारी राजू घुगेजी, योगांचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कदमजी, येऊन टाकू नवीन, तसेच या कार्यक्रमाचे आयोजक तथा या राज्याच्या उद्योग विभागाचे अध्यक्ष श्री मालपाणीजी, मला ज्यांनी इथे बोलवलं ते विजय चव्हाणजी आणि इथे जमलेले सर्व सहकारी मित्र, तसे आमचे जुने सहकारी श्री सोळसकरजी। मालपाणीजी, उद्योग विभागाचा कार्यक्रम आपलं आयोजन केलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांना शुभेच्छा। मी ज्या विभागाचं नेतृत्व करतो तो कामगार विभाग पण असंघटित, उद्योग विभाग संघटित आहे। काम करताना दोघांना एकमेकांची गरज लागते। उद्योग उभारायचं असेल तर कामगार लागतील आणि कामगाराशिवाय तुमचा उद्योग उभा राहणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं। Good evening everyone. First of all, thank you everyone for coming and getting the time from your busy schedule. First of all, I am thankful to Shri Ajit Dada Pawar Saab for appointing me as a Maharashtra State Vice President for Udyog. I am thankful to Subhash Ji and the NCP family. It's a very proud moment for me. I'm always looking for a platform where I can serve people. So today I have got the motto and I have got the platform and I'll definitely prove myself and I'll serve the NCP. I'll announce one more program. After the election, we will have a gathering of around 15 to 1800 people here in Andheri, and then we will invite Dada and all the NCP family. Now where Aryan is there, it's like he started swimming since at the age of 10 years, and there were a lot of ups and downs. In fact, in between he left swimming, then again he said, "No dad, I want to start back." 2 years he was in US for the training, he came back and there was no looking back after that. We have 122 medals and 6 world records. This June we are swimming in Italy, that is, we are doing Capri Napoli 36 kilometer. We are swimming in July Denmark Sweden. In August we are swimming in Poland. We will make our country proud and we are looking forward. English Channel, we got the date for 2026. If with everyone's blessing of everyone present here and with Dada's blessing, Aryan will be the Michael Phelps of India, holding the maximum world record by 2027 in sea swimming. Thank you. या मेळाव्याच्या उपस्थित आमचे युवकचे अध्यक्ष गिरीसाहेब, त्याचबरोबर घुगेसाहेब, आमचे मित्र व्यवहारसाहेब,
एस आर्यन जो किया है आज हमने उनका पूरा फिल्म देखा, बहुत बढ़िया है। और उनको हमारा राष्ट्रवादी ने, हमारा अजीत दादा ने एक पहचान उनका देखा है, इसके लिए आज जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छा है। और आर्यन जैसा लड़का को हमारा महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, हमारा अजीत दादा उनको बहुत, उनको चांस जो भी रहेगा वो चांस हम लोग देंगे उनको। इस तरह जो आज जो ऑर्गेनाइज किया, हमारा राष्ट्रवादी को सबको बुलाया, उसका हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। और राष्ट्रवादी पार्टी का आज यहाँ उद्योग का मिलावा भी था, सम्मेलन था, क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि किस प्रकार का सम्मेलन हुआ, क्या कुछ बातें हुई? सम्मेलन ऐसा है कि उद्योग जो सेल जो है वो हमारा बॉम्बे में फर्स्ट टाइम हुआ है, कि महाराष्ट्र के अंदर था लेकिन बॉम्बे में फर्स्ट टाइम किया, बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम है। उनको हमारा पूरा विंग, हमारा राष्ट्रवादी पूरा उनको सपोर्ट करके उनका जो भी प्रोग्राम है उसको हम आगे लेके जाएंगे। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहिए? आर्यन सिंह नंदियाला को, जो सुरजीत जी का बेटा है, मैंने बहुत छोटे से देखा है, हमारे लेन में रहता है लोखंडवाला में, एंड ही इज वेरी 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 यू नो, जो स्विमिंग करता है उसके लिए कितने अवार्ड मिले हैं उसको, उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारी उसको बधाई है, उसके पेरेंट्स को बधाई है। और अभी भी उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, और आगे जाके बहुत कुछ करेगा वो, मेरे को लगता है ओलंपिक तक जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी सुरजीत जी नंदियाला मेरे दोस्त हैं खास, वो इतने अच्छे हैं कि आज उनको एनसीपी अजीत दादा का पार्टी से ज्वाइन किया उन्होंने, वो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत अच्छी, उन्होंने बड़ी खुशखबरी, हमारे दिल को बहुत खुशी। सर, उद्योग बहुत बड़ी समस्या है, यानी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या जी, है जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज यहाँ उद्योग को लेकर जो सम्मेलन किया गया है, किस प्रकार की रणनीति बनाए, कुछ रोजगार की आप अगर बता सके तो? देखो, अजीत दादा अपने आप में बहुत सक्षम है, आज उन्होंने सब कुछ छोड़ के मोदी जी से हाथ मिला है। वो क्या बोलते हैं कि मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं इसलिए हम उनके साथ हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। उन्होंने सब पार्टी सब कुछ कोई ध्यान नहीं रखते हुए उन्होंने मोदी जी का साथ दिया कि भाई नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, मैं उनका साथ दूंगा, ये अपने लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। बाकी तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी, राजीव दादा की, मोदी जी की, फडणवीस साहब की, शिंदे साहब की, कि क्या किस तरीके से करेंगे ये उनका विषय है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सर, क्या कुछ आर्यन जी को आप बताना चाहेंगे? All the best to Aryan and many more trophies and cups on the way for him. Sir, पैराग्वे को किस तरह से देखते हैं, ये इसको और भी लोग प्रोत्साहित हो, कुछ बोलना चाहेंगे? किस बारे में? पैराग्वे जो स्विमिंग की, जो स्विमिंग में, I think I am not so into swimming, but इनका जो मैंने देखा आज, पढ़ा मैंने कि इतनी यंग एज में he has got six on records, I mean world records. It's a very big thing. ये आगे जाके और भी बढ़ेंगे जो। सर, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे पूरे देश में, भारत में सबसे ज्यादा महत्व क्रिकेट को दिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे खेल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ओलंपिक्स भी होते हैं, और हमारे जो नवयुवक, क्या कुछ उनको प्रेरणा देना चाहेंगे? जरूर जरूर, ओलंपिक्स में कबड्डी तो महाराष्ट्र का एक देन है, कबड्डी आज पूरा हिंदुस्तान में, उसका नेतृत्व, उसका अध्यक्ष हमारा अजित पवार साहब है, तो हम लोग ऑलरेडी वो दे रहे हैं। और अब बच्चों को अभी जो आज जो देखा बच्चे का, ये बहुत बढ़िया, ये लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारे राष्ट्रवादी के साथ उनको जो आज ज्वाइन हुए उनका हम साथ देंगे और इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, और ओलंपिक में ऐसा पार्ट्स को लेना, लेके जाना भी जरूरी है। चलिए जी सर, आर्यन जी को क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे, 6 बार जो है तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? बधाई छोटा शब्द है, मैं जब इस कार्यक्रम में आया तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा मुझे पता नहीं थी। हमारे साथ जुड़े हुए जो नए हमारे साथ राष्ट्रवादी परिवार में जुड़े हुए सुरजीत सिंह साहब हैं, उनके सुपुत्र चिरंजीव आर्यन जी के जब हमने कारनामे यहाँ देखे, जिस तरीके का उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है, मैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का मुंबई का अध्यक्ष हूँ, मैं तमाम युवाओं के तरफ से, मेरे पूरे राष्ट्रवादी परिवार के तरफ से हम आर्यन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के तरफ से आने वाले सालों में उनको बहुत सारा, उनको तरक्की मिले, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। आर्यन जी का जो भी कोशिश चालू है वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए, ये शुभकामना हमारी सहकार सेल की तरफ से दे रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से। थैंक यू सर। आप बोलिए।
आज यहाँ पे बैठे रहिए। आज यहाँ पे उद्योग सेल की तरफ से यह एक कार्यक्रम था। हम लोग को हकीकत में मालूम नहीं था कि अपने यहाँ बाजू में नजदीक में यहाँ छः छः बॉर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया आर्यन जी, आज हमको खुशी है कि उनके पिताजी हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार कट में काम करते हैं और उनके जो चिरंजीव है उन्होंने 6 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ है। हमें तो बहुत सारी खुशियाँ तो खुशी है ही और आगे चल के और बहुत सारे रिकॉर्ड वो करे ऐसी शुभकामनाएं हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आर्यन एडियाल जी को देते हैं और वो ऐसी तरक्की करती रहे और रिकॉर्ड बनाते जाए, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जाए। आर्यन जी ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किए उससे हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आर्यन जी इससे भी बड़े मुकाम पे जाए, उससे इससे भी बड़े रिकॉर्ड करे और उसमें हमारे पूरे परिवार राष्ट्रवादी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं है। वहाँ पर जहाँ पर भी उनको आगे हमारी सहायता लगे हम वहाँ पर उनके साथ देने के लिए तैयार है। और जी सर, आज जो है उद्योग विभाग का जो है सत्कार समारोह भी हुआ है, किस प्रकार की रणनीति बन रही है कि युवाओं को? देखिए, आप जानते हैं कि देश की व्यवस्था क्या है और देश में क्या स्थिति पैदा हुई है, इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग से जुड़े। आज बेरोजगारी इतनी बड़ी है, नौकरी तो जल्दी नहीं मिलती है, नौकरी के लोग ढूंढते रहते हैं और आज भी अपने जितने भी नौजवान है वो बेरोजगारी के खाई में जाते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको डाइवर्ट करके यहाँ पर लेके आए और उन्हें उद्योग, कोई भी उद्योग जो उनके अपने चॉइस का हो, वो जो उनको करने की इंटरेस्ट ले रहा हो उसमें वो करें और उसमें जो भी मार्गदर्शन लगे, जो भी वित्तीय व्यवस्था हो वो वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो वो हम उनको सपोर्ट करेंगे। जी सर, आपसे जानना चाहूंगा पहले तो आर्यन जी को क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे और इस तरह का कार्यक्रम क्यों होना चाहिए कि लोगों को प्रोत्साहित मिले, नए लोगों को प्रोत्साहित मिले, क्रिकेट के अलावा जो लोग खेलते हैं उनको पदक अच्छा मिलता है उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम? जी, आर्यन जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब ये वन ऑफ द रेयर ऐसा अचीवमेंट है, मतलब ये आज प्रोग्राम हुआ इसकी वजह से हमको मालूम पड़ा, तो इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने क्या पूछा अभी? मैंने ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत लोगों को नहीं पता है, जी जी क्रिकेट की बात होती है सबको पता होता है जी, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं और ऐसे प्रोग्राम क्यों होने चाहिए? जी, अभी ऐसा है कि इंडिया क्रिकेट लविंग कंट्री है तो सबसे ज्यादा फोकस क्रिकेट पे होता है, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी हमारे रीजनल स्पोर्ट्स भी है, अदर देन दैट फुटबॉल है, स्विमिंग है, ओलंपिक्स के लिए बहुत सारे गेम्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस क्रिकेट की तरफ होने की वजह से बाकी चीज़ों पे उतना उसको ग्लैमर भी नहीं मिल रहा है, तो फिर उसकी वजह से स्टेट भी उतना फंड नहीं करता, मार्केट भी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा है। तो अगर हम लोग युवाओं को इस तरफ ज़्यादा खींच के लाएंगे, उन अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उनके लिए स्ट्रीमलाइन रास्ता तैयार करेंगे कि भाई आप भी जा सकते हो इसके में, आप पार्टिसिपेट करके कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हिसाब से वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा और अदर देन क्रिकेट हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट, वर्ल्ड मार्केट ओपन हो सकता है। संतोष, तो मेरा ये मान, तो इसके लिए स्टेट की तरफ से भी ज्यादा इनिशिएटिव होना चाहिए। शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है आर्यन जी के इस अचीवमेंट्स के लिए। मैं उनको तहे दिल से अपने परमात्मा से दुआ करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहे। मैं पर्सनली एसोसिएटेड हूँ उनकी फैमिली के साथ एज ए फैमिली फ्रेंड और मैं आज सुजीत सर को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा इस शुभ अवसर पर कि ऐसी अचीवमेंट्स मिली। आज उद्योग विभाग का एक समारोह हुआ था, सत्कार समारोह हुआ था, क्या कुछ बातें हुई थोड़ा सा उस बारे में हमारे जिला जी सर, आपको क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? मैं आर्यन को, मेरे तो सामने पैदा हुआ है, बेटा है अपना, तो उसकी तरक्की से मैं आज बहुत खुश हूँ। He's made us really proud by reaching this level and I wish him all the best and I wish him more luck and happiness and more progress in life and makes us more proud. Thank you.
जी सर, ओके, थैंक यू। जे आयर्न जे खाडी पोहण्याबाबत त्यांनी जे वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेलं आहे, त्यांनी जे वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेलं आहे त्याबाबतची मला माहिती मिळताच मी आमचे क्रीडा मंत्री माननीय संजयरावजी बनसोडे साहेब त्यांच्यासमोर हा विषय मांडला झाला की आपल्या महाराष्ट्रामधला आणि ते बी मुंबईतला की ज्यानं 6 वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेले आहेत आणि खाडी पोहण्याचं जे त्यांनी 6 वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेले आहेत असा विक्रम करणारी महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपल्या ह्याच्यामध्ये ही पहिली व्यक्ती आहे आणि ह्याची नोंद महाराष्ट्र शासनाच्याकडं कुठंच नसल्याकारणानं ह्याची नोंद महाराष्ट्र शासन कशी घेतली जाईल याबाबत विशेष प्रयत्न करण्यासाठी आज हा कार्यक्रम आम्ही त्या हिशोबानं आयोजित केला होता की भविष्यात जसं स्विमर असतात किंवा इतर खेळाडू असतात त्यांना महाराष्ट्र शासन असू दे किंवा केंद्र शासन असू दे ह्या लोकांना प्रोत्साहन म्हणून मानधन दिलं जातं किंवा ह्या लोकांना विशेष उपक्रम राबवण्याबाबत त्यांना प्रोत्साहित केलं जाते, तर अशा पद्धतीचे खाडी पोहणारी जे आहेत जलतरणपटू आहेत यांनाही केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्याबाबत लक्ष केंद्रित करावं आणि उद्देश कसा आहे खाडी पोहणे म्हणजे हा खाडी जे पोहण्याचा जो विषय आहे हा काय एवढा साधा आणि सोपा विषय नाही आहे त्याच्यामध्ये। तो पहले मैं नॉर्मल स्विमिंग पूल में स्विम करता था, फिर उसके बाद मेरे कोचेस ने मुझे एनकरेज किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया और उनने बोला कि सी स्विमिंग ट्राई करने कि जैसे मैं स्विम करता हूँ जैसे मेरा स्विमिंग टेक्निक है वो सी स्विमिंग में बहुत आगे जाएगा। तो मैंने सी स्विमिंग ट्राई किया तो पहली बार में ही मैंने अपना पहला रिकॉर्ड बना लिया और फिर उसके बाद से मैं आज तक रुका नहीं। ये इसलिए ही हो पाया क्योंकि मेरे पापा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते मेरे हर एक रेस पे। जब से मैं 11 साल का था तब से स्विमिंग कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक हर रेस छोटा हो या बड़ा हर रेस के लिए मेरे पापा उधर रहते हैं और मम्मी भी सपोर्ट करती है। मेरा जो डाइट होता है जो घर पे खाना बनता है जिससे मेरे को एनर्जी मिलती है मम्मी उसका ध्यान रखती है और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ट्रेनिंग राहुल सर बचपन से मेरे कोच है तो वो मुझे ट्रेन करते आ रहे हैं और आज मैं 22 साल का हूँ और आज भी वो मेरे कोच है। उनके साथ साथ और दो कोचेज हैं रेड्डी सर और सूले सर, वो दोनों का भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जो टेक्निक और ट्रेनिंग मेरे को अभी मिल रही है वो उनके थ्रू ही है और मुझे बहुत ऑनरेबल और अच्छा फील हो रहा है कि सर ने मेरे को बुलाया आज। मेरे को ऐसा इम्पोर्टेंस जो मिला आज जैसे फेलिसिएशन मिली वैसे मेरे को कोई दूसरे जगह पे मिली नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मेरे को आज ऐसे लगा कि सच्ची में कि कोई है जो मेरे अचीवमेंट्स को वैल्यू करता है और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आर्यन, अभी तक हमने देखा यहाँ जो हम देख रहे हैं 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कुल मिला के, अब तक छोटे बड़े कितने रिकॉर्ड आपके पास है जरा दर्शकों को बता सकते? मेरे पास 6 रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड मैंने गोवा में बनाया था चपोरा फोर्ट से पंजिम जेटी, वो 32 किलोमीटर्स 5 hours 36 minutes में। फिर मेरा सेकंड रिकॉर्ड सी ऑफ गैलिली इसराइल में था, वो 20.5 किलोमीटर्स वो 6 hours 15 minutes में किया था। फिर मेरा तीसरा रिकॉर्ड थाईलैंड में 21 किलोमीटर्स का 7 आइलैंड्स के अक्रॉस स्विम करना था, वो 6 hours 36 minutes था। फिर उसके बाद 3 और स्विम किए गोवा में, एक पहला स्विम था 21 किलोमीटर्स का
दूसरा स्विम था 22 किलोमीटर्स का और तीसरा स्विम था 25 किलोमीटर्स का. तो वो तीनों में मैंने अपना जो पहले का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड तोड़े. सर आपसे जानना चाहेंगे आज आर्यन जी को सम्मानित करने के अलावा उद्योग विभाग का भी सत्कार समारोह था, किस प्रकार का यहाँ आयोजन हुआ, क्या योजनाएं बनी उद्योग को लेकर? महाराष्ट्र के अंदर बहुत से उद्योजक है जो छोटे छोटे उद्योजक है लेकिन उनकी तरफ ध्यान गवर्नमेंट भी नहीं देती या गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाती है वो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नीचे न होने की वजह से जो छोटे उद्योजक है वो वैसे के वैसे रह जाते हैं. तो जो हमारे नेता है अजीत दादा पवार साहब ने जो NCP के माध्यम से उद्योगशील बनाया उस माध्यम से हम लोग छोटे छोटे उद्योजक रहेंगे या महिला बचत गट रहेगा या जो युवा पीढ़ी है आज जो युवा पीढ़ी जो नौकरी के लिए तरस रहे तो हमको हम ऐसा हमकी सोच है कि वो नौकरी की तरफ न जाते हुए वो खुद का उद्योग लगावे. एक अगर एक आदमी अगर उद्योग लगाता है तो कम से कम 10 पीढ़ी 10 परिवार उससे जुड़ जाता है. तो मेरा यही युवकों से भी है महिलाओं से भी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाओ. तो उद्योग गवर्नमेंट के पास पैसा है सब देने के लिए लेकिन लेने वाले कोई नहीं है और लेने वाले कोई नहीं है कि उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है. तो हम लोग NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोग उन लोगों तक पहुंच के उनकी समस्या जानते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योजक कैसे बन सकते हैं रोजगार कैसा उपलब्ध होगा इस बारे में हम लोग अजीत माननीय हमारे जो नेता है अजीत दादा पवार साहब उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं. सर आर्यन लोग अब ये जानना चाहते हैं कि 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अगला क्या टारगेट है आपका? अभी मेरे 3 स्विम यही साल है. जून में मैं इटली जाऊंगा केप्री टू नापोली स्विम करने. फिर उसके बाद पोलैंड में एक स्विम है और एक स्वीडन डेनमार्क में है. तो ये होएगा जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने में ये 3 स्विम कंप्लीट कर लीजिए. सर आपसे जानना चाहूंगा सर जैसे कि आर्यन इतनी मेहनत कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं राष्ट्रवादी कोई फाइनेंशियली जब आयरन के पिताजी मेरे को मिले थे तो मेरे को उनको बताया कि आयरन हमारा ऐसा सा स्विमर है. तो मैंने ये बात अपने क्रीड़ा मंत्री जी जो है संजय जी बंसोड़े साहब इनके तरफ मैंने ध्यान देने के लिए बोला उनको. अभी मैं जो अभी नई पॉलिसी जो बन रही है गवर्नमेंट की जो अभी जो बन रही है उसमें मैं यही कर गवर्नमेंट की तरफ सिफारिश कर रहा हूँ कि अब जो बाकी के जो स्पोर्ट्समैन वाले जो है उनको जैसे आप मानधन देते हैं या प्रोत्साहन निधि देते हैं उनके तरफ जैसे ध्यान देते हैं जैसे स्विमर वाली जो है इनके तरफ भी ध्यान दे के इनको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में लेके इनको भी कुछ ना कुछ रोजगार हो या गवर्नमेंट के लिस्ट में इनका नाम डाला जाए. सर आर्यन जी को क्या कुछ आप बताइए? भाई मैंने देखा वो छोटी सी उम्र से इन्होंने एक टारगेट रखा. इनके सर्टिफिकेट देखे मैंने तो वाकई मैं इनके मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चे को एक लक्ष्य की ओर बिठा के रखा. पर आज ये विश्व में भारत का नाम कर रहे हैं परिवार का नाम कर रहे हैं और अपने बम्बई शहर का भी नाम कर रहे हैं. तो मैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद बधाई दूंगा आगे आने वाली हर प्रतियोगिता में आप इसी तरह अव्वल आए और राष्ट्र का नाम ऊपर. हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ. तो मैंने जो 6 रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं उसमें से जो 5 स्विम्स मैंने किए वो सोलो अटेम्प्ट्स थे. तो जिनने पहले पहले रिकॉर्ड बनाया था वो मैंने उनका टाइमिंग तोड़ा है तब जाके मेरा रिकॉर्ड आया है. और इन सब में से एक जो थाईलैंड का ओपन वाटर स्विमिंग रेस था उसमें अप्रोक्सीमेटली 35-40 पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें से मैं फर्स्ट आया था. और आपने पिछले जो की है उसके लिए भी एक तरह से एक पॉजिटिव थिंग उसके अंदर एडिक्शन आएगा वो भी एक इवेंट. और आपने भाषण में भी कहा एक तरह से कि पीछे मेरा बेटा माइकल फेल्प्स की तरह लग रहा है इंडिया का तो वो बहुत बड़ी बात है. तो कितना प्राउड एज ए फादर आप फील करते हैं हर एक अचीवमेंट आपके बेटे को? सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री अजीत दादा पवार जी का जिन्होंने मेरे को महाराष्ट्र स्टेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया. और सुभाष जी के अंडर में मेरे भाई हैं
इनकी ब्लेसिंग्स और इनके गाइडेंस में हम इस उद्योग को आगे लेके जाएंगे और जो कुछ हमारे से बनेगा इसको हम हमारी क्षमता से हमारी मेहनत से इस उद्योग को हम नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पे लोगों की मदद होए, जहाँ पे इस उद्योग का हर एक लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे और जितने जो ये इंडस्ट्रीज जितने अपने अंदर है काफ़ी ब्रॉडर आस्पेक्ट है और इसमें गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स निकाली हैं जो उन इंडस्ट्रीज पे उन लोगों तक पहुंचती नहीं है, उन लोगों को पता भी नहीं होता है। तो हम वो काम करेंगे, हम विल बी कनेक्टिंग बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड द पीपल एंड जिसके वजह से और रोज़गार भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा और लोगों की लाइफ थोड़ी आसान भी होगी। और जहाँ तक आर्यन के स्विमिंग का सवाल है, आर्यन यस, ये जब 10 साल का था तब से ये स्विमिंग कर रहा है और ट्रेनिंग कर रहा है। हाल ही में इसने 2022 से लेके 2024 तक इसने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं और इस साल ये 3 इंटरनेशनल स्विम करने जा रहा है। जैसे मैंने बताया, 1 जून में ये स्विम कर रहा है इटली में, जो करीबन 36 किलोमीटर का स्विम होगा केपरी टू नेपोली, जहाँ पे टेम्परेचर जो पानी का होगा वो काफ़ी ठंडा होने वाला है। और हर स्विमिंग जब आप करते हैं वहाँ पे एक नया चैलेंज होता है, कहाँ पे जेलीफिश होती हैं, कहाँ पे वर्लपूल्स होते हैं, कहाँ पे वेव्स होती हैं और बहुत सारा पानी की डेंसिटी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। और इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स इसीलिए कहते हैं, इसमें कोई भी सेफ्टी नहीं होती है, आप सीधा सी में स्विम करते हो, इसमें आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है, जिसके लिए इसकी बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है। रोज़ सुबह 4 बजे उठना, ट्रेनिंग करना, इसकी एक प्रॉपर डाइट होती है जो क्वान न्यूट्रिशन डॉक्टर रायन फर्नांडो है जो इसके डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं। इसका जिम सेशंस होते हैं, इसके कोचेज हैं राहुल चिपलुनकर सर, मोहन रेड्डी सर, और जो पायलट है जो नेविगेट करते हैं यार ये सारी स्विम को, सुबोध डांके सर, जिनको करीबन 45 ईयर्स हो गए हैं। सुबोध सुले सर जिनको करीबन 40-45 वर्ष हो गए हैं इस सी स्विमिंग में। तो जो सबकी हम सबसे पहले शुभकामना चाहेंगे और आर्यन आते 5 सालों में इसके सारे इवेंट्स हमने डिज़ाइन करके रेडी करके रखे हैं। हमने अलग अलग खाड़ियों से, जैसे इंग्लिश चैनल है जो हमें 2026 में परमिशन मिला है, मैनहट्टन स्विम है US में जो हमें 2025 में स्विम मिला है, तो इसको हम आते 5 वर्ष में जितनी वर्ल्ड की सी स्विमिंग और खाड़ियाँ हैं, चैनल्स हैं, हम सारा करवा देंगे विद सबकी ब्लेसिंग से। और कोशिश यही रहेगी क्या ये सी स्विमिंग का इंडियन माइकल फेल बने। और गवर्नमेंट से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मेरी यही निवेदन रहेगा क्या इसको दे शुड कंसिडर एंड इसको प्रॉपर कोई काम या कोई डेजिग्नेशन ऐसे मिले जहाँ पे ये स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाए और लोगों तक पहुँचाए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो नए जो युवा हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन जो तैराकी है उसमें सुरक्षा के इंतजाम जो है कम होते हैं, एक डर का माहौल रहता है, जान का खतरा रहता है, ऐसे समय में जैसे कि आप पापा हैं और इनकी मम्मी भी होगी, आप लोग अपने आप को कैसे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं वो जरा जानना चाहेंगे, ताकि जैसे मैंने बताया सी स्विमिंग जिसको एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं, ओपन वाटर स्विम, ये चैलेंजिंग है, उसके साथ जो इसके डर बने रहते हैं। जैसे पिछला हमने अभी 29 फरवरी को हमने चोरवाड से वीरावल 40 किलोमीटर का स्विम किया जहाँ पे शार्क्स का खतरा था, तो गुजरात गवर्नमेंट ने हमको गनमैन दिया हुआ था जो गन लेके बोट में था, जो साथ में इसके कमर में एक शार्क पाउडर पाउच होता है वो पाउच दिया हुआ था। तो सी स्विमिंग और उसके साथ खतरे को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट यस हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आपकी ट्रेनिंग लगती है एक स्विमर के लिए। और पेरेंट का तो ये होता है, पेरेंट जैसे मैं अपना बताता हूँ, माय वाइफ तो वो तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, ऐसे नहीं, मैं भी डरता हूँ, बट आपको अपने आपके खुद में विश्वास, एक छोटा सा हम ड्रिल रन करते हैं जिसमें हमें ये पता होता है कि अगर कोई खतरनाक कीटाणु या कोई क्रीचर है तो क्या डिस्टेंस पे है, वो थोड़ा प्रिकॉशंस हम लेते हैं, बाकी तो भगवान है और
क्या कहते हैं, हम हमारे तरफ से जो बेस्ट बनता है उसको हम करते हैं उस वक्त। एक चीज और भी है, आज का जो कार्यक्रम है मुझे बहुत अच्छा लगा, जो उद्योग विभाग का आयोजन हुआ, साथ में स्पोर्ट को भी प्रोत्साहित किया गया। स्पोर्ट भी एक उद्योग की तरह से नए जो हमारे युवा हैं उसे देख सकते हैं, रोजगार की तरह से देख सकते हैं। नए युवा जो है क्रिकेट के छोड़ के बहुत सारे खेल हैं उससे जुड़े, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अगर आज से 10 से 15 वर्ष पहले आप देखोगे तो उस वक्त क्रिकेट ही एक स्पोर्ट्स था जिनको सारी मान्यता और अवार्ड्स वगैरह मिलते थे। उसके बाद करीबन कबड्डी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला, बट अब जो गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। अगर आप गूगल करोगे या आप अगर न्यूज़ चैनल टीवी पे देखोगे, आज जैसे खेलो इंडिया एक इवेंट है, खेलो इंडिया के मेडलिस्ट को गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब देने का कंफर्मेशन दिया है। ये आज से 4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था। तो ये तो एक है, ऐसे गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। स्पोर्ट्स एक हेल्थ का मीडियम है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स करके आप अचीव करें बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसमें कोई बड़ी पोस्ट पे या बड़ी कोई पदक या बड़ा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करते उसका मतलब ये नहीं कि आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो। स्पोर्ट्स एक डिसिप्लिन होता है, स्पोर्ट्स एक वे ऑफ लुकिंग ऑफ लाइफ है। जो एक स्पोर्ट्समैन रहेगा उसका उठना खाना पीना रहने का तरीका एक आम आदमी से हमेशा अलग होगा, बिकॉज उसकी लाइफ एक डिसिप्लिन पे चलती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले जब मैं छोटा था तो मतलब क्या मॉम हमेशा कहती थी पढ़ते रहने को तो जब छोटे रहते सब लोग पढ़ते हैं, पर लाइक मेरे पापा एक ऐसे थे जो मुझे स्पोर्ट्स में पुश करते थे। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मैं ट्रेनिंग करता था, मैंने स्पोर्ट्स को हमेशा आगे रखा। मैं लकी हूँ कि मेरे को ऐसे फादर मिले जिनने मेरे स्पोर्ट्स को कभी सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखा, मेरे स्पोर्ट्स को हमेशा आगे रखा, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा। या फिर मैं अभी भी पढ़ रहा होता, स्पोर्ट्स छोड़ दिया होता क्योंकि मेरे को कोई जॉब करना होता या कोई काम करना होता, बट मैंने आज 6 रिकॉर्ड इसलिए बनाए क्योंकि डैड ने मेरे को पुश किया है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई स्पोर्ट पसंद है तो वो दिल खोल के करना चाहिए, यू इसे शुड नॉट होल्ड बैक। और कभी अपने पेरेंट्स से डरना नहीं चाहिए, अगर स्पोर्ट्स ही नहीं कुछ और भी करना हो उनको बोलना चाहिए कि मुझे ये करना है, ताकि क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो ही उनको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। तो मैं वही कहना चाहूँगा। सर आपसे जानना चाहेंगे आपके सर ऐसा है, आई स्टिल प्ले, मतलब सॉरी, मैं अभी भी इंटर क्लब्स बैडमिंटन खेलता हूँ। स्विमिंग मेरे को बहुत पसंद था। आर्यन लकी है, जैसे उसने बताया उसको पेरेंट मिले हैं। मेरे को भी स्पोर्ट्स करने का, आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन बेसिकली, बट उस वक्त हमारी फैमिली की कंडीशंस ऐसे थी नहीं कि मैं स्पोर्ट्स कर सकता, हमारी फैमिली की दूसरी प्रायोरिटीज थी। तो स्टेट लेवल चैम्पियनशिप टेबल टेनिस का छोड़ के मैंने जॉब ज्वाइन किया, मैंने काम किया, और क्योंकि घर की जिम्मेदारी थी मेरे पे, आई वॉज द ओनली सन, और मेरे डैड बहुत जब मैं 10वीं में था तभी वो गुजर गए थे, तो घर की जिम्मेदारी ने मुझे स्पोर्ट्स करने नहीं मिला। बट आज भी मेरे अंदर वो स्पोर्ट्समैन जिंदा है, वो एक डिसिप्लिन एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, एंड ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आर्यन को मैंने जो उसका दिल किया मैंने उसको वो करने दिया, और इसने उस बात को प्रूव किया है। ये जो स्विम होती है सी स्विमिंग, लेजर के लिए स्विम करना 1 किलोमीटर या 2-5 किलोमीटर एक अलग होता है, जब आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर स्विम करते हैं तो उसके अंदर एक अलग डेडिकेशन आपको चाहिए होता है, आपके अंदर एक अलग स्टैमिना, आपका मेंटल फिटनेस। जब पानी के अंदर आपको कोई छोटी सी चीज़ भी टच करके जाती है तो वो आपका जो डर होता है आपको बोट से बाहर निकलना, मतलब बोलते भाई मेरे को पानी से बाहर निकालो, बट आर्यन हैज़ इनकाउंटर्ड, आर्यन को सांप इनकाउंटर हुआ है, आर्यन को डॉल्फिन इनकाउंटर हुई है, गोवा में आर्यन को जेलीफिश ने जब काटा था, तो जब हम फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए थे तो आर्यन वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 12 डेज, 12 दिन अस्पताल में था ड्रिप पे और इंजेक्शन पे।
और ठीक होने के बाद में उसका ये था, बोला डैड मैं कभी से ट्रेनिंग शुरू करूँ. सो दैट गेव मी एक, मुझे एक बहुत अच्छा लगा अंदर से. और यही इसके अंदर जो एक अंदर का मन के अंदर जो इसके अंदर शक्ति है और जो इसने अंदर धारणा बनाई है जो स्विम की, ये इसको बहुत आगे लेके जाएगी. मेरा बेटा है डेफिनेटली, इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है. बट एज अ स्पोर्ट्समैन इसके अंदर एक डिसिप्लिन और एक जो करने की चाह है, वही इसको कोई भी युवक को अगर जिसके अंदर करने की चाह होती है तो ही वो आदमी आगे बढ़ सकता है, आगे कोई भी फील्ड में आगे जा सकता है. सुभाष जी, फाइनली आपसे मेरा एक सवाल है. आप बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत जानकार हैं, अजीत दादा से आपकी बातचीत भी होती होगी, तो उद्योग को लेके कोई प्रपोजल आपने रखा हो तो जरूर जनता के साथ हमारा शेयर कीजिए. अभी जैसे एमएसएमई उद्योग के अंदर बहुत सी समस्या है. जैसे अभी बीच में एक बार जो एमएसएमई की जो छोटे छोटे जो उद्योग है और जो बड़े उद्योजक है, छोटे उद्योजक के पास से बड़े उद्योजक वाले माल खरीदी करते हैं लेकिन उनको पेमेंट टाइम पर नहीं देते हैं. तो टाइम पर पेमेंट नहीं देने पर ये लोग जो बैंक से लोन निकालते हैं तो वो एनपीए में चले जाते हैं, थकबाकी में चले जाते हैं. तो वो छोटे उद्योजकों को अपना तो उद्योग बंद करना पड़ता है. तो गवर्नमेंट में अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है कि छोटे उद्योजकों के लिए, कि अगर बड़े उद्योजक वाले ने उसको 45 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं दिया तो उसके ऊपर 30% पेनल्टी लगाई है. एक अच्छा कानून गवर्नमेंट लेके आई है. मेरे को ऐसा कहना है कि अजीत दादा जो हमारे नेता है उनका जो आज जो महायुति का सरकार है उसमें से अभी मैं जो 2024 और 2029 की नई जो पॉलिसी बनने वाली है तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी छोटे उद्योजकों को दूंगा, जो बचत घट है उनको देने वाला हूँ. और नया प्रोत्साहन मेरा ऐसा है कि अभी जो हर महाराष्ट्र हो या देश के अंदर कचरे की बहुत बड़ी समस्या है. कचरा आज इतना लाखों टन रोज कचरा निकलता है लेकिन उसका क्या किया जाए, ये गवर्नमेंट का सोल्यूशन है. गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को या म्यूनसिपालिटी को बहुत से पैसे देते हैं, घन कचरा व्यवस्थान में से देते हैं, अलग अलग योजना में से नगरोत्थान में से पैसे देते हैं, वैशिष्टपूर्ण में पैसा देते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज यूज बराबर पैसे का होता नहीं है. क्योंकि वहाँ पर जो बॉडी रहती है, वहाँ पर जो एडमिटेशन है उनका और उनका कोऑर्डिनेशन न रहने की वजह से वो पैसा जो गवर्नमेंट देती है उसका बराबर उपयोग नहीं होता है. तो हम गवर्नमेंट से यही करना चाहते हैं कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अगर इसको लेके आती है तो उनको आप उससे जो विविध प्रकल्प निकलते हैं, जैसे सेंद्रीय खत बनते हैं कचरे के पास से, जो प्लास्टिक है प्लास्टिक में से जो इंडस्ट्री ऑयल बनती है, ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसको आप पर्यावरण के दृष्टिकोण से उनको आप प्रायोरिटी देवे. और दूसरा एक अभी मेरा भी खास बात है कि अभी कोरोना कालावधि के अंदर बहुत से इंडस्ट्री वाले बंद थे. बंद रहने की वजह से 2 साल में उनका पूरा बिजनेस बंद हो गया था. अभी मैं 2024-2029 के अंदर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो जोन बनाया हुआ है उन्होंने, ए जोन, बी जोन, डी जोन, सी जोन, ऐसा उसके ऊपर वो सब्सिडी देते हैं. मेरा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप जोन जो है वो निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग जो व्यापारी है जो उद्योजक है वो गवर्नमेंट को जो पैसा भरती है वही उसको रिफंड मिलता है. तो उसको पैसा, मेरा भरा हुआ पैसा मुझे वापस लेने के लिए जोन की जिम्मेवारी ये नहीं रखते हुए जोन हटा दीजिए और पूरा महाराष्ट्र के अंदर एक ही जोन रखिए. एमएसएमई वालों को एक कैटेगरी में लीजिए और बड़े इंडस्ट्री वालों को एक कैटेगरी में लेके उसके अंदर आप जो सब्सिडी देने वाले हैं जो उसमें वो बराबर हिस्से से डिवाइड कर दीजिए. देख लीजिए.